हेलो। हाँ जी सर। अरे नहीं, सर 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 ऐसा मत करना सर। जी सर सर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। माफी 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 सर, माफी। ऐसा नहीं हुआ सर, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है सर, ओके ओके, बाय बाय सर, बाय बाय बाय। अरे यार भाई साहब, पता किसका फोन था? प्लांट्स का फोन था। पता क्या कह रहे सर? रेस्पिरेशन आपने पढ़ा दिया, ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ा दिया, ह्यूमन बीइंग्स को रेस्पिरेशन करा दिया, हमें कब कराओगे? ये भी वही बात है भला, प्लांट्स कब से रेस्पिरेशन करने लगे? कह रहे बच्चों जैसी बात मत करो सर, ये तो बच्चे कहते हैं कि प्लांट्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको तो पता है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, एनर्जी कहाँ से आएगी? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, ताकि प्लांट्स जी बुरा ना मान जाए और दोबारा मुझे फोन करके ना सुना दें, कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं देंगे अगर नहीं पढ़ाया। चलो पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लेट अस बिगिन। क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जल्दी से पढ़ लेते हैं, इससे पहले दोबारा फोन आ जाए, ठीक है? चलो देखो, एक प्लांट का आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें मेनली क्या होते हैं आपके पास? रूट्स होती हैं, ठीक है? और उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है? एक स्टेम होता है, और स्टेम के ऊपर क्या लगी रहती हैं? लीव्स लगी रहती हैं, ठीक है? देखो कितनी डिजाइन है लीव, राइट? तो ये क्या हो गई? रूट्स। ये क्या हो गई? स्टेम। और ये क्या हो गई? लीव्स, ठीक है? अब ये सारी चीजें रेस्पिरेशन करती हैं, सबको एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। रेस्पिरेशन से तो एनर्जी मिलती है, जो फूड बनाया प्लांट ने उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसको एनर्जी चाहिए ना मूवमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना? मूवमेंट कैसी, इसमें कैसी मूवमेंट होती है? ग्रोथ वाली मूवमेंट होती है, ठीक है? तो उसके लिए रेस्पिरेशन करना जरूरी है। तो रेस्पिरेशन हर एक पार्ट करता है, अलग अलग पार्ट करता है, रूट स्टेम और लीव्स। रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? हमने पढ़ाया ऑक्सीजन चाहिए। रेस्पिरेशन का प्रोसेस सिंपल है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, और प्लस लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनेगी, जिसको वो यूज कर लेंगे अपना डे टू डे वर्क करने के लिए, ठीक है ना? ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है? तो देख लेते हैं कि यार कैसे इन सबको ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर मैं रूट्स की बात करूं, तो रूट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनमें छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स की वजह से ये छोटे छोटे रूट हेयर्स हैं, जिसके आसपास क्या होती है? सोयल। और वहीं से वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना? तो रूट्स के पास ऑक्सीजन कैसे आ जाती है? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन कहाँ से होता है? रूट हेयर्स से होता है, राइट? ऐसे ही अगर मैं स्टेम की बात करूं, तो स्टेम में भी आपको छोटे छोटे से पोर्स नजर आते हैं, बहुत छोटे छोटे से पोर्स, जैसे लीव्स के पोर्स। लीव्स के पोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लीव्स के अंदर भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। ऐसे ही आपको एक बार बताता हूँ, स्टेम के अंदर भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, लेकिन वो कहलाते हैं आपके लेंटिकल्स। उनको क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। उनका भी क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कराना, यानी कि ऑक्सीजन को एक्वायर करना, ठीक है? तो ये भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या यूज होते हैं? लेंटिकल्स यूज होते हैं। समझ आ रही है बात? अगर मैं बात करूं लीव्स की, तो लीव्स का आपको पता है किसकी हेल्प से करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा की हेल्प से करते हैं। स्टोमेटा को गार्ड करने के लिए आपके पास गार्ड सेल्स होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे उनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करता है, और लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करता है। वो सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल इसमें बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कराना है। ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनको क्या कराना है? एक्सचेंज कराना है, ठीक है ना? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है? गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। क्या होता है कि
रेस्पिरेशन के लिए जो आपके पास ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद फूड के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी दे देती है, एनर्जी यूज हो जाती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता। लेकिन ये जो CO2 यहाँ पे बनी, ये CO2 यूज हो जाती है किस काम में, यूटिलाइज हो जाती है किस काम में, फोटोसिंथेसिस वाले, यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। मैं बात कर रहा हूँ डे टाइम की, जब दिन है, दिन में सनलाइट है, तो सनलाइट के केस में रेस्पिरेशन भी होगा और फोटोसिंथेसिस भी होगा, यानी कि रेस्पिरेशन भी करेगा और फोटोसिंथेसिस भी करेगा, कौन, प्लांट करेगा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी विच वी यूज फॉर आर डे टू डे वर्क। प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, ठीक है। अब ये जो दिस CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इट इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ये किसमें यूज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, और CO2 प्लस H2O सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स यू ऑक्सीजन, ठीक है ना। इससे क्या मिल जाएगी आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगी और फूड मिल जाएगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, नेचर में चली जाएगी, ठीक है। तो जो प्लांट्स मुझे स्टार्टिंग में फोन करके धमकी दे रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं देंगे, वो इसलिए धमकी दे रहे थे क्योंकि उनसे ऑक्सीजन मिलता है एक्चुअली में, ठीक है। इसलिए मैं डर गया था, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डे टाइम में दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। लेकिन अगर मैं बात करूं नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम में ना सर सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए सॉरी क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट रात को थोड़ी ना आएगी, ठीक है ना, रात को थोड़ी ना निकलता है, सूरज ऐसा कोई देगा। चलो नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ओनली रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस, और रेस्पिरेशन चलता रहेगा, CO2 निकलती रहेगी, और जो CO2 निकलेगी वो कहां चली जाएगी, इन द एटमॉस्फेयर। तो इन द डे टाइम प्लांट डू बोथ रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, व्हाइल इन नाइट टाइम प्लांट डू ओनली रेस्पिरेशन। इन द डे टाइम दिस CO2 रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग नाइट टाइम दिस CO2 रिलीज कम्स आउट इन द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस, राइट। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, कुछ और भी एनिमल्स हैं जो मुझे फोन कर रहे हैं, मिस कॉल पा रहे हैं, मैंने उनका नंबर अभी उठाया नहीं, उनके बारे में भी बता देता हूँ कभी वो भी सिर हूँ। जैसे कि अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूँ, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं आपके, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, भाई टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो गए जो यहाँ पे रह रहे हैं, आपके लैंड पे रह रहे हैं, उनको तो ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमोसफेयर से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वाटर के अंदर से। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है हमारे नेचर में, जो ऑक्सीजन है उसमें से कुछ ऑक्सीजन किसमें डिजोल्व है, वाटर के अंदर डिजोल्व है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो एक्वेटिक एनिमल्स को उसी से ही काम चलाना पड़ता है। अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम है, तो उनको ना तेज तेज ब्रीथिंग करनी पड़ती है, काफी फास्ट ब्रीथिंग करनी पड़ती है, उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग काफी ज्यादा है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है वाटर में एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर है ये चीज, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फिशेज की, तो फिशेज क्या करती हैं, वाटर को अपने माउथ में फिल करती हैं, उसको गिल्स से पास कराती हैं, और गिल्स क्या करता है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर छोड़ना है, ठीक है ना। तो जब फिशेज वाटर को कंज्यूम करती हैं, तो वो उसको गिल्स के थ्रू पास कराती हैं, गिल्स का काम है ऑक्सीजन को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, और CO2 को बाहर छोड़ देना, ब्लड के थ्रू CO2 बाहर आ जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, राइट। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी
अपना रेस्पिरेशन करते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रॉग की, फ्रॉग पता होगा आपको, ठीक है ना, फ्रॉग नहीं कह रहा हूँ, फ्रॉग मेंढक। मेंढक क्या करता है, मेंढक जो है, फ्रॉग जो है आपका, वो एम्फीबियन है। बेसिकली वो बाहर भी सांस ले सकता है और पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। जब वो पानी के अंदर होता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है, जब बाहर होता है तो लंग्स से सांस लेता है, ठीक है ना। लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता समय है, राइट। तो ये था आपका रेस्पिरेशन वाला टॉपिक। रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं, इससे पहली वीडियोज में हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यानी कि फूड आपका ब्रेकडाउन कैसे होता है अलग अलग तरीके से। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब का जो लाल सा बटन दिख रहा है ना उसको दबा दो, बस फटाफट करके दबा दो, ठीक है ना, और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द ऑल अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।